नमस्कार, नेक्स्ट फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, रिसेंटली एक न्यूज है, और न्यूज है इसरो से रिलेटेड। ये न्यूज भी काफी खास है और इसकी टाइमिंग भी। यहाँ पर लिखा है इंडियन सैटेलाइट प्रैक्टिसिंग डॉग फाइट इन स्पेस, व्हाट इट मींस। शायद आप लोगों ने सैटेलाइट को लेकर ये डॉग फाइट्स पहली बार सुना हो। ये कंसेप्ट तो यूनिक है ही, लेकिन यहाँ पर यूनिक है इसकी टाइमिंग, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन ऑल टाइम हाई है। और क्या होने वाला है एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ऐसे में इसरो परफॉर्म कर रहा है सैटेलाइट डॉग फाइट्स। देखिए, सैटेलाइट डॉग फाइट एक बहुत ही रेयर और वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, जो इसरो अपने चेजर और टारगेट सैटेलाइट के साथ अर्थ से लगभग 500 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर परफॉर्म कर रहा है। अभी तक आपने फाइटर जेट्स को लेकर डॉग फाइट तो सुना ही होगा, जब दो कंट्रीज के फाइटर जेट आमने सामने होते हैं और दोनों ही फाइटर जेट्स खुद को बचाने और दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे होते हैं, उसे कहा जाता है डॉग फाइट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की डॉग फाइट्स की। डॉग फाइटिंग इन स्पेस रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड क्लोज रेंज मैनूवर बिटवीन स्पेसक्राफ्ट, सिमिलर टू द एरियल डॉग फाइट्स बिटवीन फाइटर जेट्स। ये काफी कुछ फाइटर जेट्स की डॉग फाइट की तरह ही होती है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही भारत के इसरो ने स्पेडएक्स मिशन कंप्लीट किया था, और ये सैटेलाइट डॉग फाइट उसी का एक्सटेंशन है। स्पेडएक्स एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन मिशन था, जिसके अंदर इसरो ने दो अलग अलग सैटेलाइट छोड़े और स्पेस में जाकर उनको डॉक किया, यानी ज्वाइन किया। फिर बाद में इसरो ने उनको अनडॉक भी किया। इस मिशन का गोल था फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करना, इंक्लूडिंग सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसरो अब और थोड़ा आगे बढ़ गया है, और अब इसरो परफॉर्म कर रहा है सैटेलाइट डॉग फाइटिंग। इस मिशन में इसरो ने दो सैटेलाइट छोड़े थे, एक का नाम था टारगेट और दूसरे का नाम था चेजर। ये सैटेलाइट अभी भी स्पेस में है और लगभग 28,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। अब ये दोनों सैटेलाइट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ए प्रेसिजन फ्लाइट पैटर्न ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द इसरो। बोथ सैटेलाइट हैव बीन कंडक्टिंग रोंडेवू एंड प्रोक्सिमिटी टैक्टिक्स। रोंडेवू का मतलब होता है एग्जैक्टली किसी फिक्स टाइम पर किसी फिक्स प्लेस पर मिलना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसरो इन सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव कर रहा है। एक्चुअली इसरो का कहना है डॉकिंग और अनडॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी इन दोनों सैटेलाइट्स में लगभग 50% फ्यूल बचा हुआ है, यानी हर सैटेलाइट में लगभग 2.5 किलोग्राम फ्यूल है। और इसलिए शायद इसरो ने सोचा चलो डॉग फाइट ही कंडक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, इस सैटेलाइट डॉग फाइटिंग का वॉर टाइम में भी यूज किया जा सकता है। अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है और आपका किसी कंट्री के साथ वॉर होता है, तब ये सैटेलाइट डॉग फाइटिंग एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। कैसे ये भी जानेंगे, लेकिन पहले ये न्यूज देखिए। यहाँ पर लिखा है चाइना इज प्रैक्टिसिंग डॉग फाइटिंग विद सैटेलाइट एज इट रैंप अप स्पेस कैपेबिलिटीज। ये कहना था यूएस स्पेस फोर्स का, और ये न्यूज है मार्च 21, 2025 की। हालांकि यूएस स्पेस फोर्स का दावा है कि चाइना ने ये जो सैटेलाइट डॉग फाइट की थी, ये की थी 2024 में लो अर्थ ऑर्बिट में। तब यूनाइटेड स्टेट के वाइस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन जनरल माइकल ग्वेटली ने कहा था दैट द डॉग फाइटिंग मैन्यूवर बाय ग्रुप ऑफ चाइनीज सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट ब्रिंग आउट द एडवांस सिस्टम डेवलप्ड बाय द बीजिंग। एक्चुअली सैटेलाइट डॉग फाइट अभी तक यूएस ने भी परफॉर्म नहीं किया है, या तो ये चाइना ने परफॉर्म किया है या अब भारत का इसरो इसे परफॉर्म कर रहा है। यूएस का कहना था कि विद आवर कमर्शियल एसेट्स हमने स्पेस में 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किए एंड दे वर मैन्यूवरिंग इन एंड आउट एंड अराउंड ईच अदर इन सिंक्रोनिसिटी एंड इन कंट्रोल। और इसी को हम कहते हैं डॉग फाइटिंग इन स्पेस। जब कोई सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट कुछ अलग तरीके से स्पेस में परफॉर्म करता है, वो प्रैक्टिस करते हैं टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टू डू ऑन द ऑर्बिट स्पेस ऑपरेशंस फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अनदर। ये जो 5 सैटेलाइट थे जिनके जरिए चाइना ने डॉग फाइट परफॉर्म की थी स्पेस में, उनमें से 3 थे उसके सियान 24C एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट और 2 थे उसके एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट शीजियान 605A एंड 605B। आप देखिए जो सैटेलाइट डॉग फाइट है, इसको परफॉर्म करने के पीछे मोटिव क्या है, इसको लेकर अभी तक एग्जैक्टली किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि काफी कम कंट्रियों ने इसे परफॉर्म किया है एंड स्पेशली चाइना और भारत ने। जो कंट्रीज प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है वो स्पेस में किसी भी कंट्री के सैटेलाइट को डिसेबल कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है, और उस कंट्री की मिलिट्री के कम्युनिकेशन और ऑपरेशन सिस्टम को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकती है। इवन ऐसा भी कर सकती है कि वो कंट्री ना तो किसी मिसाइल को लॉन्च कर पाएगी और ना ही अपनी तरफ आती हुई किसी मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी। इवन इस प्रोसेस के जरिए कोई भी कंट्री ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है, और किसी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम, कार्गो शिपिंग सिस्टम और इवन एम्बुलेंस डिस्पैच को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब आपको समझ में आया इसरो के इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव और इसकी टाइमिंग। देखिए, आज का जो वॉर है वो पूरे तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करता है। चाहे आपको आर्टिलरी फायर करनी हो, चाहे आपको मिसाइल लॉन्च करनी हो या एनिमी कंट्री की मिसाइल डिटेक्ट करनी हो, हर चीज के लिए आपको जरूरत पड़ती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की।
ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की, और सपोज करिए अगर वॉर से ठीक पहले उसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तब आपकी आर्मी ऐसे हो जाएगी जैसे ब्लाइंड। और अब भारत के सैटेलाइट वैसा ही कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि चाइना के सैटेलाइट 5 थे और भारत के सैटेलाइट 2 हैं। आप लोगों को याद है जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, रशियन फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पर आ चुकी थी। उससे ठीक पहले रशिया ने एक साइबर अटैक किया और यूक्रेन के इंटरनेट सप्लाई को बंद कर दिया, जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड था। रशिया ने यह अटैक किया था अपने ग्राउंड इन्वेजन से ठीक कुछ घंटों पहले, जिसने यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक तरीके से ब्लाइंड कर दिया ग्राउंड इन्वेजन से ठीक पहले। आप लोगों को मालूम ही है कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएस, रशिया, भारत और चाइना, ये कंट्रीज काउंटर स्पेस वेपन पर भी काम कर रही है। यानी अगर वॉर हो तो सबसे पहले अटैक करो दुश्मन के सैटेलाइट, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बर्बाद कर दो। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि रशिया एक स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लास्ट ईयर यूएस ने रशिया पर यह भी आरोप लगाए थे कि रशिया ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो लो अर्थ ऑर्बिट में इजीली किसी भी सैटेलाइट को अटैक कर सकता है। रशिया और चाइना दोनों ने ही अपनी टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस किया है इस फील्ड में, और इसके जरिए वो स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को अटैक कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हालात चल रहे हैं, ठीक उसी समय पर इसरो भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है स्पेस में। हालांकि इसको लेकर इसरो का कहना है कि ये एक पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन देखना होगा फ्यूचर में कि इसरो इसका कैसे यूज करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।